ट्रॉपिकल वेकेशन तो किसे नहीं पसंद. स्ट्रोलिंग बाय द बीच इन द कोल्ड सैंड विद पाम ट्रीज स्विंग इन द विंड. वेल, द अर्थ टू ट्रैवल टू अ बीची डेस्टिनेशन जस्ट नेवर डाइज. बट एट द सेम टाइम वी नो दैट वी नीड टू सोशली डिस्टेंस. सो वरी नॉट, हियर आर फाइव सिक्लूडेड आइलैंड्स इन इंडिया जहां आप अपने ट्रॉपिकल वेके वाइब्स को जी सकते हो व्हाइल यू इवन सोशली डिस्टेंस. सेंट मेरीज चार आइलैंड्स का आर्किपेलागो है, यानी इट इज अ ग्रुप ऑफ फोर आइलैंड्स पुट टुगेदर, और ये अपने बेसाल्टिक रॉक्स के लिए जाना जाता है. कहते हैं कि 88 मिलियन ईयर्स अगो मैडागास्कर इंडिया से जुड़ा हुआ था और वहां हुए वोल्केनिक मूवमेंट्स की वजह से ये रॉक्स फॉर्म हुए. ये आइलैंड कर्नाटका कोस्ट से 4 मील दूर है और यहाँ पहुंचने के लिए यू हैव टू टेक अ 30-मिनट फेरी राइड फ्रॉम मालपे. ब्रह्मपुत्र रिवर पर लोकेटेड ये आइलैंड इंडिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है. इस आइलैंड की खासियत यहाँ का सनराइज और सनसेट व्यू है जो सबको एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए. एंड ऑल्सो यहाँ का आसामीज कल्चर. इस आइलैंड पर रेत की जगह मॉस पर चलिए और बिंज ऑन नॉर्थ ईस्टर्न डेलिकेसीज. द आइलैंड इज एक्सेसिबल ओनली वाया 1 आवर फेरी राइड फ्रॉम निमति घाट, अ पोर्ट इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, एंड इट इज 255 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गुवाहाटी. अगर आप टिपिकल पोर्चुगीज थीम्ड जगह जाना चाहते हो जहां बस बीचेस और छोटे बीच साइड कलरफुल कॉटेजेस वाला वाइब हो, देन दिस इज योर स्पॉट. वॉक थ्रू क्वाइट लेन्स एंड पोर्चुगीज एरा मैनर्स बाय द बीच. पुराने गोवा से ये आइलैंड बस एक फेरी राइड दूर है और ये दो हिस्टोरिक टेम्पल्स और एक हिल टॉप चर्च के लिए जाना जाता है. ये आइलैंड पंजिम से 10 किलोमीटर दूर है और ओल्ड गोवा से सिर्फ 3 में से 1 फेरी राइड लेकर यहाँ पहुंचा जाता है. Unlike the loud and hippie party culture of Goa, this place provides contrasting peace. ये छोटा सा आइलैंड नॉर्थ केरला के बैक वाटर्स पर लोकेटेड है और इसकी खासियत यहाँ की हिस्ट्री है. वेल नोन ट्रैवलर्स जैसे कि इब्न बतूता और मार्को पोलो ने इस आइलैंड के बारे में अपने इंडिया के ट्रैवलॉग्स में लिखा है. नॉर्थ केरला का ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और ब्रिटिश इरा में यहाँ एक बड़ा पोर्ट हुआ करता था. ये आइलैंड से सबसे नजदीक कन्नूर डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से 1 घंटा दूर है. सो टॉक अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग. अंडमान कमर्शियलाइज जरूर हो चुका है लेकिन ये प्रिस्टीन आइलैंड कंपैरेटिवली इतना क्राउडेड नहीं है. ये इंडिया का सबसे स्टनिंग आइलैंड है और यहाँ बीचेस की कमी नहीं. विजिट द व्हाइट वाटरफॉल्स एंड एक्सपीरियंस नेचर एट इट्स बेस्ट हियर. स्ट्रिक्ट बजट वाले हनीमून्स के लिए ये परफेक्ट लोकेशन है. अ फेरी राइड फ्रॉम फीनिक्स बे पोर्ट एंड पोर्ट ब्लेयर टेक्स अबाउट 6 to 8 hours टू रीच. सो स्टे रेस्ट अश्योर्ड अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग. सो जब नेक्स्ट टाइम हॉलीडे करना चाहते हो व्हाइल यू सोशली डिस्टेंस, इस लिस्ट को देखना मत भूलना. अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टेप आउट रिस्पॉन्सिबली.